नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री विधायक नरेंद्र सिंह यादव ने गांव गांव जाकर जनता से किया जनसंपर्क तथा 2022 को लेकर कहीं कुछ बातें। कहा कि अगर समाजवादी पार्टी फिर से हमें टिकट देती है तो हम फिर 2022 में जनता के बीच आएंगे। उन्होंने पिछले कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल, स्कूल व विधायक ना होते हुए भी 2 पुल बनवाए, सड़कें बिछवाई व हर तरीके से जनता की मदद की। अगर जनता फिर 2022 में मौका देगी तो फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की अगुवाई में फिर से समाजवादी सरकार बनाएंगे। सूचना नेटवर्क के लिए फरुखाबाद से सरदीप सिंह की रिपोर्ट। इसको देखते हुए आपने चुनावी विकल्प सोच दिया एक बार फिर अब मैदान में इसका तो चुनाव है जी, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम तो एक ही बात कहते हैं, 2022 परिवर्तन का वर्ष है, इसलिए जरूर कुछ न कुछ जरूर होगा। को तो परिवर्तन होना ही होगा। प्रदेश में बहुत जरूरत है, अभी विकास कार्य की भी जरूरत है। हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोग चुने गए, जिससे कि अच्छी सरकारें बने, अच्छे लोग आए, अच्छे काम हो, नई शुरुआत हो, यही सब हम लोगों का उद्देश्य है। सर, पार्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? पार्टी तो हम तो समाजवादी पार्टी में हैं भैया, कहाँ तो ये भी तो सवाल हम पे होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने कहा था कि इस बार राम गोपाल जी पर आपने आरोप लगाया, तो राम गोपाल जी पर आपने इस तरीके से? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। हमने ये कहा जो नेता लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, चाहे घर का मुखिया हो चाहे पार्टी का मुखिया हो, तो गलत निर्णय हुए उसे नुकसान हुआ। पिछली बार आप बताइए, हम पार्टी में रह के ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो किसके खिलाफ आता है? वो तो आप सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं भाई? ये तो कोई नई चीज़ हो, नए लोग के खिलाफ हो, किसी खिलाफ पार्टी के खिलाफ हो, अपनी पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आके जिला पंचायत अध्यक्ष बना देना, ये हमारी समझ में बात आई नहीं। हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी के लिए काम करते, पार्टी का, लेकिन जिन कामों से पार्टी की छवि खराब हो वो काम हम नहीं करना चाहते।